लेजेंड के साथ कंपैरिजन हो रहा है इट्स अ ब्लेसिंग उनकी ये ब्लेसिंग होगी कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ये किरदार करने को मिला फॉर अनारकली टू गेट द काइंड ऑफ लव दैट शी इज गेटिंग बहुत परफेक्ट फिल्म है आइकॉनिक फिल्म है उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता लव संजय सर मैं हीरा मंडी oh. के बारे में कुछ नहीं कहूँगी बट आई लव संजय सर छोटा मूव बड़ी बात मैं आई एम नोबडी टू संजय सर इज लाइक अ लेजेंड हेलो फ्रेंड्स न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा देखिए इन दिनों दे एक वेब सीरीज है जिसका नाम है ताज जो काफी सुर्खियों में है जिस पे काफी बातें हो रही हैं उस सीरीज में या उससे पहले भी जब भी अनारकली की बात आती है तो हमने उसे दीवारों में चुनते हुए ही देखा है लेकिन देखिए ये मेरा कमिटमेंट है और ये मेरे दर्शकों के लिए मेरा प्यार है कि भाई मैं उस चुनी हुई अनारकली को दीवार में से निकाल के आप लोगों के लिए ले आई हमारा साथ अदिति राव हैदरी जिनकी अनार कली की अदाएं और उनकी ब्यूटी इन दिनों काफी आ, सवालों में है और आ, कई सारे लोग इस अनारकली से प्यार कर बैठे हैं तो उस अनारकली को छोड़िए और यहां अदिति हमारे साथ है अदिति स्वागत है आपका पहले तो कैसी है आप दिल्ली कैसा लगा है वेरी हैप्पी टू कम हिस्सा Uh, और आपकी बातें सुनकर और भी खुश। थैंक यू तो हम क्योंकि हमने अनारकली के बारे में इतनी सारी बातें करी तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि आई एम वेरी क्यूरियस जब मुझे पता चला कि अनारकली कोई और कर रहा है हाँ। क्योंकि हम एक एक मैं भी क्यूरियस थी।, थी जी <laughs> <laughs> क्यों <laughs> वही मुझे जानना है कि ये जो क्यूरियसिटी थी कैसी थी आपको ये ब्रीफ कैसा मिला और सबसे इंपॉर्टेंट आप रॉयल फैमिली से आती हैं तो कितना आ, आसान था उन चीजों को एक्सेप्ट करना समझना अडॉप्ट करना कैसा था आपके लिए नारकली बनने का बहुत सारे क्वेश्चन हैं मैं हाँ। पहला स्टार्ट करती हूं कि कैसे किया पहले तो मैंने ना बोला इसी वजह से क्योंकि मुगले आजम बनी हुई है बहुत परफेक्ट फिल्म है आइकॉनिक फिल्म है उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता तो कौन है जो बना रहे हैं फिर <laughs> फिर जो क्रिएटिव टीम है रॉन जो हमारे डायरेक्टर हैं यूके के और विलियम जो हमारे शो रनर है और राइटर भी हैं साइमन यूके से और इट वाज अ बिग क्रिएटिव टीम नॉट फ्रॉम हियर उन्होंने ना नहीं सुना मुझे पता भी नहीं था कौन है क्रिएटिव टीम और वो आए मिलने और उन्होंने बोला आप जितनी बार भी ना बोले हम यहीं पर बैठे रहेंगे और um, वो ही सुन के मैं खुश हो गई आई से थैंक्स बट नो एंड दे वर लाइक वी हैव सीन पद्मावत वी लव संजय सर्स वर्क एंड मेरुनीसा एंड बहुत उन्होंने कहा और फिर मैं क्यूरियस हो गई कि इतना क्यों क्या है Please. फिर उन्होंने मुझे कहानी बताई फिर मुझे देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट मुगले आजम राइट कि ये मुगले आजम नहीं बना रहे एंड आई वाज लाइक चलो थैंक यू प्लीज़ डोंट टच दैट फिल्म इट्स टू मच एव एन एपिक फिल्म विथ एपिक परफॉर्मेंसेज एंड ये एक नया नज़रिया है एक अलग एम्ब्रॉयड्री वाली कहानी है ऑफकोर्स uh, इसका इसकी फ्रेमवर्क हिस्ट्री में है बट uh, एम्ब्रॉयड्री फर्क है uh, और दैट एन इट्स सेल्फ एक्साइटेड मी और जो टीम की कन्विक्शन थी और उनका जो पैशन था और ऑल्सो द फैक्ट कि वो कल्चरली यहाँ के नहीं है पर वो इतने एक्साइटेड थे और दे उनके लिए क्योंकि वो यहाँ के नहीं है ये जो किरदार हैं वो लार्जर देन लाइफ नहीं है दे पीपल सेट इन अ पीरियड टाइम तो अनारकली एक लड़की है जो बचपन से उस उसके साथ बुरा होता है और वो, वो फिर वो कैप्टिव है और जो डिटेल्स थी ना ऐसे हम कहानियां सुनते हैं कि जो बहुत सुंदर लड़कियां होती थी right. उनके जो जो भी है, छोटे-छोटे hmm. डिटेल्स right. जो, जो उन्होंने करे थे आई फाउंड इंटरेस्टिंग क्योंकि हम सुनते हैं ये बट यू नो वी वट एवर सो ये आई थॉक दैट वॉज रियली नाइस एंड जो अनारकली का कैरेक्टर भी था एक ह्यूमन लड़की कैप्टिव फ्रीडम uh, के सपने देखती है प्यार के शी ड्रीम्स ऑफ लव और uh, बहुत करेजस है क्योंकि शी स्टैंड्स बाय दैट लव आई लिटिल ओके दिस इज इट्स रियली कूल आई डू इट जब प्रमोशन स्टार्ट हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोग कंपेरिजन <laughs> <comparison> करेंगे <laughs> फिर मैं डर गई <laughs> क्योंकि मैंने कहा अभी लेजेंडरी एक्टर लाइक उनके साथ कंपैरिजन करेंगे right. तो मैं जाऊंगी यहाँ पे, right. हाँ पे हूँ और मुझे ये किरदार करने को मिला बिल्कुल और तो मैं actually, उनकी है, जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा कहा मैं ऑन कैमरा भी कहूंगी कि आप बेहद खूबसूरत लगी हैं में है अनार कली के सच्ची में जो एन एवरीबडी हुट एंड हु यू नो बीन सो कॉम्प्लीमेंट्री आई फील लाइक वो रिसीव करते हैं और वो आपको ऐसे देखते हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट जो भी जो भी है थैंक यू तो नाइस। तो सारे दर्शकों को तो मिल गया है लेकिन एक जो मुझे लगता है, मेरी तरह बहुत सारे audience ऐसे जो सोच रहे थे ये, हाँ, ये सारे दिमाग में हमारे चल रहे थे and I, uh, love that concept, लेकिन ये सीधे हम कट्टू आते हैं अभी जब रिलीज हो गया है और आपको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है आई एम डी की पॉपुलर लिस्ट में आप आ गए सोचा था कि ये जब स्टार्टिंग में इतने सारे कंपैरिजन हो रहे थे एंड नाउ पीपल आर रिसीविंग सो आई मीन सो वार्मली और आपको अब ये लिस्ट में आ गया है अभी कैसे कमेंट्स आए एक सबसे प्यारा कमेंट जो किसी से मिला हो इस सीरीज के बाद एक तो बताना पड़ेगा मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूं जब कोई जब कोई बड़ा आपको फोन करके कुछ कहता जी, है जी. तो वो आपको यहाँ रखना चाहिए बिल्कुल um, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी लेकिन आई विल से जो भी मैंने सोचा um, और uh, इसके बारे में मुझे मतलब ये था कि अच्छा अच्छा बनेगा बट जैसे लोगों ने रिसीव किया है दैट इज मच वे बियॉन्ड माई एंड Uh, for Anarkali फॉर get the kind of love that दट is इज गेटिंग एवरी डे आई यू नो रिप्लाई टू पीपल ऑन ट्विटर एंड Instagram पे जो stories बन रही हैं और फोन कॉल्स जो आ रहे हैं it फील सो गुड एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी जैसे आपने कहा कि ठीक है उस किरदार को लेकर आपने परसीव किया बहुत सारी चीज़ें लेकिन हिस्ट्री से रिलेटेड जब भी हम किसी स्टोरी पे काम करते हैं हुँ. या उस पर बातें करते हैं कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा क्रिएट होती हैं क्योंकि इतिहास जो लिखा गया है वो एक नजरिए से लिखा गया और अब हम एक अलग नजरिए से उसमें चीजें देखते हैं सो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ आई मीन एप्रिहेंशन रिगार्डिंग दिस कि भाई कहीं ये ट्विस्ट तो नहीं होगा या हमने लिबर्टीज इस, इस सीरीज में बहुत सारी ली हैं और दर्शकों को पता हो कि भाई ये एक्चुअल हिस्ट्री पूरी तरह से नहीं है आम, हमने कभी कहानी की किए पूरी तरह से हिस्ट्री है हम फिल्में बनाते हैं हम कंटेंट बनाते हैं उसमें आ, हम ये नहीं कह रहे कि हम बायोपिक बना रहे हैं किसी की आ, बायोपिक्स में भी लोग इतनी लिबर्टीज लेते <laughs> हैं um, तो दिस इज दैट्स आई सेड द फ्रेमवर्क इज हिस्टोरिकल एंड देर आर क्रिएटिव लिबर्टीज दैट हैव बीन टेकन

ऑनेस्ट एंड प्योर होना चाहिए तो uh, कि हमें ये कहानी बना, बनानी है बतानी है या हमें ये परफॉर्मेंस करना है या हमें बिरयानी बनानी जो भी है वो यहाँ से आना चाहिए ये, ये हैदराबादी वाली जबान है <laughs> बिरयानी आ रही है वहाँ हैदराबादी बोल रहा है बट <laughs> यहाँ से आना चाहिए हाउ इट इज ऑन दर्सीवर उसका हम हमारे लकी दैट पीपल है अल्टीमेटली एम लोगों को पसंद आ रही है लोग इतना देख रहे हैं और जितना अनारकली पसंद आ रही है उतना अदिति पसंद आ रही है अनारकली से जोड़ते हुए एक सवाल आपके लिए है कि भाई अनारकली ने तो प्यार के लिए बहुत सारी हदें पार की हैं असल जिंदगी में आपने इस किरदार से कितना लिया है या आपको लगता है कि भाई प्यार एक ऐसी चीज है आप कहाँ तक जा सकती हैं उसके लिए क्या एक ऐसी चीज आपको लगता है कि मैं कर दूंगी आई क्रॉस ऑल द लाइन्स या फिर नहीं ठीक है प्यार है पर बाकी चीजें भी बहुत जरूरी है आई थिंक अदिति बताएगी अनारकली बताया <laughs> मेरे हिसाब से अ, जो प्यार है डिफरेंट काइंड ऑफ प्यार बिल्कुल इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन इन द वर्ल्ड प्यार से आप किसी का भी गुस्सा मिटा सकते हैं किसी का भी uh, किसी का भी एन मिटा सकते हैं जैसे अगर एक इंटरव्यूअर uh, uh, आई थी उनका पहला दिन था uh, और उनका पहला इंटरव्यू था एंड आई ऑलवेज फील व्हाट इज इट लेक इट्स सच अल थिंग फॉर मी टू गिव ह लव टू शो ह लव एंड टू मेक हर फील कंफर्टेबल यू नो एंड जब आप लोगों को प्यार देते हैं तो उनको अच्छा लगता है और क्योंकि उनको अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगता है एंड इट इज द मोस्ट इनक्रेडिबल फीलिंग लव एंड टू बी एबल टू लव आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए टू बी एबल टू लव सो आई आई थिंक देर इज नो ग्रेटर इमोशन देन लव तो मानती हूँ कि सारे जो झगड़े वॉर सब कुछ प्यार से सॉल्व हो सकते हैं बट वो इतने इतना ऑनेस्टली बात करती है और वो डरती नहीं एंड शी स्टैंड बाय हर लव एंड आई थिंक दट दैट इज द ओनली वे टू बी टू स्टैंड बाय वट यू लव टू बी लॉयल टू वट यू लव एंड टू

बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस किरदार में जिनमें से एक मैं भी हूं देखने के बाद कि नारकली कुछ नहीं बोल रही है पर उसकी आंखें इतना कुछ बोल रही हैं और बहुत सारे सीन्स आपको भी याद होंगे जिनमें आपके डायलॉग्स कम है और सिर्फ आंखों से आपने बहुत कुछ कन्वे किया है तो इन खूबसूरत आंखों के लिए इस खूबसूरती के लिए क्या रूटीन है जो आप आ, दो ऐसी चीजें जो आप बताना चाहेंगे <laughs> <थीलेंगे। laughs> मुझे अपने को याद दिलाना पड़ता है पानी I I have to put reminders to drink water. आपको मेरा वाटर बॉटल देखना चाहिए सेट का इट्स बिग इन मी सो देट आई रिमेम्बर वाटर तो ये वाला देखो हम जो दो मांग रहे हैं उसके अलावा हमें तीसरा एक्स्ट्रा में मिल गया है तो दो अब आप हमें जरूर बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू क्या बोलू <laughs> एक रियल टिप देती हूँ और एक एक्चुअली रियल टिप देती हूँ रियल मतलब प्रैक्टिकल मतलब और एक रियल रियल ओके आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी कंफर्टेबल एंड बी हैप्पी आप चाहे आप पटेटो सैक पहन के आए चाहे आप रात को चाहे mm -hmm. आप uh, मतलब आप जो भी हो अगर आप खुश हैं और अगर आप पॉजिटिव हैं राइट आई थिंक लुक रियली एंड आई रियली बिलीव दैट इट्स नॉट अबाउट इट्स नॉट अबाउट कि आपका नाक नक्शा सही होना चाहिए इट्स रियली अबाउट हाउ यू मेक पीपल फील इफ यू कैन मेक मी फील गुड आई ऑलवेज रिमेंबर यू एज सीक्रेट है <laughs>

अगर आप या तो आप खाना बना रहे हैं या कोई और बना रहे लिटिल बिट चोरी कर लो hmm. फालतू फाल फाल के में लगे लोश फाल देखिए ये ये राज आपको यहाँ पता चल गया है कि उससे जो भी लगाओ क्रीम श्रीम उससे पहले टमाटर लगा लो उससे sure. पहले पपीता लगा लो या बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड साइंस एंड किचन सो गुड यही तो मम्मीयां सिखा रही हैं इतने टाइम से अब तो अनारकली की भी मोहर लग गई है और अदिति की भी लग गई है अदिति अनारकली पे हमने इतनी सारी बातें कर ली एक मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा क्योंकि हम अ, हीरा मंडी का जो अ, एक पहला झलक आया है ना उसी के बाद से ही बहुत सारी अ, अ, कहता है ना क्यूरिओसिटी बढ़ गई है कुछ भी अगर आप उसके बारे में बता पाए कि क्या किस तरह का किरदार होगा और भंसाली साहब इस बार भी थोड़े टेढ़े रहे या आप आराम से शांति से क्योंकि जितने भी एक्टर्स उनके साथ काम करते हैं बताते हैं कि भाई थका देते हैं बुरी तरह मेंटली भी और बहुत आई लव संजय सर मैं हीरा मंडी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी बट आई लव संजय सर बताओ सेट दिस सच में आई लव संजय मैं um, पांच साल की उम्र से आई हैर्न फ्रॉम अ गुरु एंड वेदर इज संजय सर मनी सर आई थिंक ऑफ देम इज माई गुरुज इन सिनेमा एंड हंड्रेड परसेंट संजय सर आपको चैलेंज करते हैं लेकिन आई थिंक दैट एक डिरेक्टर दे आर द कैप्ट शिप दे हैव टू टेक अ होल टीम विद एंड देज यू बिकॉज दे वॉन्ट द बेस्ट आउट ऑफ यू and uh, any kind of art form you have to challenge yourself you can't be complacent you have to work hard you have to like you have to feel you have to you know you have to be challenged right and i'm sure nobody knows this but you have to trust me when i say that since we're talking about sanjay sir he has a very big heart as much as he challenges you he does it all out of love and he loves you so much the amount of love he gives and the amount of fun he has also uh, and his passion and his love right. for what he does is infectious and trust me he really loves and he gives a lot of love and i think that's the best way to work you know actually right to be challenged and to be loved

तो हम यहाँ चलिए हम ज्यादा भी नहीं है लेकिन देखिए आप समझ लीजिए कि जब डायरेक्टर की इतनी तारीफ हो रही है तो उस कहानी में कितना बट मैं मतलब छोटा चोट, बड़ी बात to... uh, like, like, श्रद्धा, really. श्रद्धा का भी नाम आ गया यहाँ पे <laughs> तो ये श्रद्धा भी बहुत जरूरी है और ये लव भी बहुत जरूरी है सबसे जरूरी अनारकली जिससे हमने इतनी सारी मजेदार बातें की uh, अदिति बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड आई होप आप भी मेरे बारे में मन में ऐसा ही सोच पा रही होंगी श्रद्धा uh, <laughs> प्यार आई मीटिंग यू यू थैंक एंड अक्सर हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत और बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू